जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। जैसा मैं हर बार बोलती हूँ, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत करने की कोशिश हमेशा रहती है। आज एक बहुत बड़ी चीज़ पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये है कुंडली में मांगलिक दोष अगर हो तो क्या होता है। मांगलिक दोष के कारण क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में रुकावट उत्पन्न करती है और जिनको मांगलिक दोष होते हैं उनकी बॉडी पर उसके क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और क्या मांगलिक दोष इतना बड़ा दोष है जिसकी वजह से जीवन की गति रुक जाती है, रिलेशनशिप्स बिल्कुल भी आपके साथ नहीं रह पाते, आप जिसके साथ भी एक रिश्ते में जुड़ते हो वो रिश्ता टूट जाता है। क्या मांगलिक दोष इतना बड़ा दोष है कि ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र में कोई भी सुख नहीं भोग पाता या एक उम्र के बाद उसको जाकर ये सारी की सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। मतलब मांगलिक दोष जैसे कि कहते हैं कि 28 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है, तो क्या ये सच है कि ऐसा होता है? तो चलिए आज इन सारी बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे और मेरे साथ में एक बहुत प्यारी सी बच्ची है जिसकी कुंडली के अंदर कुछ दिक्कतें हैं जो बताती हैं कि उसको मांगलिक दोष है और इसका निवारण कैसा हो सकता है, ये कितना डेंजरस है, इससे कितना डरने की ज़रूरत है और क्या इसके लिए घट विवाह या पेड़ से विवाह करना ज़रूरी है, मतलब दो विवाह करने ज़रूरी हैं तभी ये ख़त्म होगा। ये सारी तमाम बातें लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो मुझे क्लियर करनी होती है वो ये कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। मेरे पास जो कुंडली है इसमें नो डाउट मांगलिक दोष पूर्ण तरीके से उत्पन्न हो रहा है। जब हमारी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष होता है ना बेटा, तो मांगलिक दोष हमें सबसे पहले दिक्कत जो करता है वो ये कि ये हमें किसी भी चीज़ में स्टेबल नहीं रहने देता, अनस्टेबिलिटी लेकर आता है। केवल एक रिलेशनशिप में नहीं, हम जो कुछ भी करना चाहें, जैसे हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी चाहें, तो अप डाउन्स बहुत देता रहता है। जिसके कुंडली के अंदर मांगलिक दोष होता है इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में मांगलिक दोष से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मंगल कहीं ना कहीं उत्पाद कर रहे हैं, मतलब मंगल की वजह से हमारी कुंडली में कुछ चीज़ें ऐसी उत्पन्न हो रही हैं जिससे हमें दोष लग रहा है। तो इसमें क्या होता है, आपको चिड़चिड़ापन बहुत आने लगता है, आप फ्रस्ट्रेट बहुत होते हो छोटी छोटी बातों से, आपके अंदर किसी भी चीज़ को बेयर करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, आपको गुस्सा बेवजह आता है, मतलब कोई बात नहीं है और आपको एकदम से गुस्सा आ गया। फिर जब आप नॉर्मल होते हो तो आप सोचते हो मैंने क्यों गुस्सा किया, ये तो कोई बात ही नहीं थी, मैं चाहती तो अवॉइड कर सकती थी। रियलाइज़ भी होता है साथ साथ में, लेकिन हमारा एक पल को ऐसा लगता है जैसे कुछ हमारे अंदर आ गया और हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। मंगल सबसे ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ देने लगता है, तो हम ये मानते हैं कि हाँ मांगलिक दोष हमारी कुंडली में उत्पन्न है और हमें इसकी वजह से दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। वैसे मैं आपको बता दूं, ये डरने जैसी कोई चीज़ नहीं है, 70% लोगों की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष होता ही होता है, लेकिन एक दो कुंडली होती हैं जिसके लिए ये बहुत खतरनाक हो जाता है, जिसके लिए ऐसा पंडित कहते हैं कि अगर भाई मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी हो गई तो उसकी डेथ हो जाएगी या ये रिलेशनशिप चल नहीं पाएगा। ये केवल 1-2% कुंडली में होता है। आपकी कुंडली में ऐसा दोष नहीं है कि आपकी नॉन मांगलिक से शादी हो गई तो उनकी लाइफ को लेकर या आपकी कल को मैरिज लाइफ को लेकर आपको दिक्कत होगी। आपकी कुंडली में जो मांगलिक दोष है वो आपको एक लंबे समय तक सिंगल रहना दिखाता है, मतलब आप किसी से दोस्ती कर सकते हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हो, लेकिन अगर आप उस रिलेशनशिप को एक लीगल नाम देना चाहोगे, आप ये कहोगे कि ये मेरा है, मोहर लगाना चाहोगे, वो चीज़ आपकी कुंडली में नहीं मिलती। वहाँ पर या तो रिश्ते होंगे नहीं तय, होंगे तो होते होते टूट जाएंगे, एंड मोमेंट पर आपकी बात बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको ये लगेगा अरे ये हो क्या गया, कल तक तो हम बिल्कुल सही थे, आज क्या हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ चीज़ें याद आ गई। अच्छा,
मतलब मेरी चीजें आपसे मैच कर रही है, वो चीजें आपकी रिलेट कर रही है, ठीक है। लेकिन कुछ मांगलिक कुंडलियों के साथ ऐसा भी होता है कि सगाई हो गई, हमारा रिश्ता तय हो गया और फिर उसके बाद शादी भी हो गई, शादी तक भी बात चली गई, लेकिन हम 2 महीने 2.5 महीने से ज़्यादा एक दूसरे के साथ रह नहीं पाए। ये भी एक तरह का मांगलिक दोष है जिसका निवारण अगर हम पहले कर लेते हैं, शादी से पूर्व कर लेते हैं, तो ये चीज़ नहीं कारगर होती और इसका हमको बैड इफ़ेक्ट नहीं मिलता। मांगलिक दोष की एक और सबसे बड़ी वो होती है, अब बहुत सारे लोग हैं वो कहेंगे हमारी कुंडली में तो मांगलिक दोष लगता ही, क्योंकि मांगलिक दोष एक कुंडली से जनरेट नहीं होता, सूर्य कुंडली से भी लगता है, चंद्र कुंडली से भी लगता है, लग्न कुंडली से भी लगता है, शुक्र से भी देखा जाता है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में मांगलिक दोष होने के सिम्टम्स हैं या नहीं है? तो सबसे पहले हम आपके हाथ की लकीरों की बात करेंगे। आप अपने हाथ की लकीर दिखाओ, कोई भी दिखाओ। जैसे अब आपकी कुंडली, आपका हाथ और आपकी कुंडली दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत अलग अलग बात कर रही हैं। आपके हाथ की रेखाओं में यहाँ पर सेपरेशन नहीं है। मैं कहाँ की सेपरेशन की बात कर रही हूँ, यहाँ अंगूठे के पास में से जो लकीर जाती है, जिसे हम एक तो आपकी बुद्धि की रेखा कहते हैं और दूसरी जो है हम आपकी एज की रेखा कहते हैं, इसका जहाँ से पॉइंट चालू होता है, अगर यहाँ पर सेपरेशन है तो ये माना जाता है कि मांगलिक दोष इतना कारगर है कि आपको 2 विवाह करने की ज़रूरत है। मतलब आपको घट विवाह या पेड़ से विवाह, इस तरह से आपको मांगलिक दोष को दूर करने के लिए विवाह करने की ज़रूरत है, तभी आपका दूसरा विवाह टिक पाएगा, वरना नहीं टिक पाएगा। आपकी कुंडली में एक और बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी कुंडली में बेशक मांगलिक दोष लग रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वहाँ पर आपके बृहस्पति से, गुरु से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। जब मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाती है तो वो उसके दोष को थोड़ा सा कम कर देता है और वो इतना ज़्यादा उन्हें तांडव नहीं करने देता है, तो आपको यहाँ से इस चीज़ में थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। जब किसी की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष बहुत ज़्यादा तेज होता है, तो ऐसा नहीं है कि केवल विवाह में ही दिक्कत आती है, पिता से, भाई से, इनसे भी संबंध अच्छे नहीं रह पाते, इनसे भी वैचारिक मतभेद, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स में हमेशा कमी आती है। आपकी कुंडली में मुझे फादर का सपोर्ट दिखाई देता है, तो मैं यहाँ पर आपको इस बात की तसल्ली इस वाले फैक्टर से भी दे सकती हूँ कि आपके ऊपर मांगलिक दोष पूरी तरीके से कारगर नहीं है। हाँ, एक सर्टन एज तक, मतलब ये आपकी शादी को ज़्यादा से ज़्यादा खींचेगा तो 32 ईयर्स तक खींचेगा, उसके बाद ये आपकी मैरिज लाइफ को सेटल्ड कर देगा, आपको मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको उससे पहले शादी करनी है या उससे पहले आपको अपनी पसंद से शादी करनी है, अपने मन के मुताबिक शादी करनी है, तो फिर कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको अपनी कुंडली के अनुसार करने ही पड़ेंगे, तभी जाकर आपको इसके अंदर थोड़ा सा रिलीफ मिल पाएगा। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछो। नहीं, अभी आप कंटिन्यू कीजिए, मैं क्वेश्चन बाद में। अच्छा, ठीक है। तो आपकी कुंडली के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो शायद मुझे लगता है कि और पंडितों ने आपको बोला होगा या थोड़ा सा आपको डराया होगा, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल आपको एक तरीके से समझ लीजिए प्रोटेक्ट भी कर रहा है। अगर हम जल्दबाजी में अभी आपकी शादी करा दें या आपकी शादी किसी से हो गई होती तो वो मैरिज एक सर्टेन टाइम पर जाकर टूट जाती, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है, टाइम निकल रहा है, लेकिन जो देर मिलेगा पर अच्छा मिलेगा, कहते ना देर से हुआ लेकिन बहुत अच्छा हुआ, तो यहाँ पर अंधेर नहीं है, देर है और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की या टेंशन लेने की या इस चीज़ को लेकर आपको नर्वस होने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। और कुछ आपको पूछना है मुझसे? मैं नर्वस नहीं उस चीज़ को लेके, मैं ठीक है उस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ कि देर पेरेंट्स, हाँ पेरेंट्स, तो आपको उनको अब ये चीज़ बतानी है जो मैंने आपको बताई है और ये चीज़ समझानी है कि मैं शादी, मेरी शादी आपने करा दी होती और फिर 2-3 साल बाद मैं वापस आके बैठ जाती आपके पास, या फिर शादी करके ठप्पा लगा के भी मैं अनमैरिड की तरह ही रहती,
तो उससे बेहतर यह है कि एक सर्टन टाइम के बाद हो शादी और वो शादी टिके, तो ईश्वर जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हमें उस चीज़ में साथ देना चाहिए। ईश्वर ने वो तो कल ही मेरा रोका, कल मेरी सगाई है, मतलब होने वाली थी, बट वो तो मैंने थोड़ा रेबेलियस हो गई, मैं नहीं करा रही हूँ चीज़ें, मैं घर नहीं गई हूँ, तो ये सब हो रहा है। सो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? तो अभी रुक गया ना? अभी के लिए तो रुक गया, बट वो कितने दिन के लिए रुका है वो भी तो बड़ी बात है। मैं आपको देखिए, कोई ना कोई कैसा भी आपका सरकमस्टांसेस बन जाएगा, सगाई करा भी देंगे तो वो सगाई आपकी टूट जाएगी, है ना, वो टूट जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा और ये चीज आपकी खिंच के 32 ईयर्स तक जाएगी ही जाएगी। तो उनको ये चीज़ समझना है कि बार बार हम पब्लिकली इस चीज़ को ना वो करें, और आप लड़की हो, बार बार ऐसे होके सगाई या इस तरीके से रोका होके टूटता है तो हमारा समाज उसे अच्छे से नहीं लेता है, तो आप उनको थोड़ा सा रोक दो, समझाओ, नहीं समझते हैं तो मेरी बात करो, मैं समझा देती हूँ। जो ग्रहों में लिखा है, जो कुंडली में लिखा है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता ना। बच्चे लेके आते हैं फिर हर बार में, मतलब और तो कोई आता नहीं, कोई सरकमस्टेंसेस नहीं आता, तो मुझे ही खड़ा होना पड़ता है खुद के लिए कि नहीं 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 मुझे नहीं करना। वो आपका माइंड भी तब तक नहीं बनेगा ना जब तक ग्रह नहीं चाहेंगे, आपका माइंड भी तभी बनेगा जब आपके ग्रह जाएंगे, तब वो जो भी लेकर आएंगे आप ओके कर दोगे, अच्छा ठीक है कर दो मैं कर लेती हूँ, और वो निभ भी जाएगी। यही तो ग्रह करते हैं, रीज़न तो कोई भी बन सकता है। अब सपोज करिए आपकी सगाई तय हो गई, आप भी ओके हो, माँ बाप भी ओके हैं, कोई बुआ चाची किसी ने आके वहाँ पे तांडव मचा दिया और कोई छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया और सगाई टूट गई, तो ग्रह तो अपना काम कर देते हैं, वो किसी ना किसी में प्रवेश कर ही जाते हैं, किसी की आत्मा के अंदर घुस के वो उसका दिमाग उसी तरह का कर देते हैं और उनको फिर उसी तरीके से कार्य करने पर मजबूर कर देते हैं। तो आप इस चीज़ से तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, ठीक है। कई बार हमारी कुंडली में मांगलिक दोष हो और हमें ये पता ही ना हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कुंडली में अगर मांगलिक दोष हैं तो इसके बहुत सरल और छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो आपको किसी भी मंदिर के निर्माण में अपने हाथ से 5 या 7 ईंटें लगवा देनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष हैं और मंगल आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो आपको हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर केले ज़रूर चढ़ाने चाहिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है तो आपको नंगे पैर मंगलवार के दिन मंदिर जाकर दर्शन ज़रूर करने चाहिए। फिर मंदिर कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलरली हनुमान जी के ही मंदिर जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो आपको पानी का इंटेक बहुत करना चाहिए, क्योंकि मंगल आग है और उसको बुझाने के लिए हमें पानी का ही सहारा लेना पड़ता है। आपको ऐसी जगह पर टाइम निकाल निकाल कर जाना चाहिए जहाँ पर पानी होता है, जैसे कि नदियाँ हैं, समुद्र है, इनके पास आपको थोड़ी देर जाकर बैठना चाहिए। इससे भी आपका मन शांत होता है और आपको आपके मांगलिक दोष से निकलने का एक बहुत छोटा और सरल सा उपाय भी मिल जाता है। बहते हुए जल के अंदर अगर मंगलवार के दिन आप रेवड़ी बहा देते हैं तो इससे भी आपके मांगलिक दोष में कमी आती है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ज़रूर करिएगा, इससे आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर आएंगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके घर में हमेशा कलेश रहता है या बरकत नहीं होती है, पति पत्नी के बीच में हमेशा दूरियां बनी रहती है, प्रेम की कमी है या जॉब में सक्सेस नहीं मिल रहा है, समस्या कैसी भी है लेकिन नवरात्रि में 108 विद्वान पंडितों द्वारा दुर्गा शब्द चंडी के पाठों द्वारा पोटलियों को सिद्ध किया जाएगा और इनके अंदर विशेष सामग्रियां डाली जाएंगी और उसके बाद ये आपके घर में स्थापित कराई जाएंगी। अगर आप ये पोटली प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने घर में आ रही समस्याओं का निदान करें। हम फिर आपसे मिलने आते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं
जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।